हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सी ए कार्ड। अरे सर, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड आई मीन और क्या होता है। हाँ, सबको डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम पे देख रहे हैं, राइट? अभी तो क्या है ना, अभी तो अपन लाइव है, बट थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, बच्चे उसके रिकॉर्डेड वर्जन भी देखते रहते हैं। तो ठीक है सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। गुड नाइट देखने के बाद ये ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे। कह रहे सर, आज बात करने वाले हैं उस रीजन के बारे में कि वो रीजन जिसकी वजह से 90% बच्चा फेल हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, फाउंडेशन लेवल पर तो लगभग लगभग हमारा रिजल्ट आता है 35% के आसपास, कहते बट सर यही रिजल्ट इंटर तक आते आते ये रिजल्ट हो जाता है 12% या 15%, और फाइनल पे हो जाता है 8%। तो मैंने ऑन एन एवरेज लगाया, मैंने कहा लगभग 10% ही बच्चे पास होते हैं इंटर और फाइनल लेवल पर। तो अगर आप सीए में हैं, आप सीएस में हैं या सीएमए में हैं, पर्टिकुलरली आप इंटर या एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं, तो सर ये वीडियो के अंदर बहुत काम की बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है? आपने कहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ गड़बड़ होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्रिएट होती है सर? अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थ्योरी के अंदर, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप अगर उसको अटेम्प्ट करते हो, आपको कितने मिलते हैं, मैक्सिमम कितने मिल जाएंगे? मैक्सिमम सर, मैक्सिमम मुझे मिल जाएंगे सर 4 नंबर बस, ठीक है? चलो 4 मार्क्स आपको, चलो बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा, पर चार तो 4 से 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिकली ये मिलते कितनों को हैं? आधे से ज्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन के अंदर जो स्कोर करते हैं, दैट इज 2.5 से लेकर 3 मार्क्स। सर ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर सॉल्व कर दिया, बैलेंस शीट मैच कर दी तो काम हो जाएगा, आंसर एग्जैक्ट निकल गया तो बहुत बढ़िया। नहीं, यहाँ पर ओवर हेयर, अगर मैं लॉ की बात करूं, लॉ तो मैं पढ़ाता हूँ, बट अगर मैं किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं, तो इसी यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर से सर 2.5 नंबर मिल रहे हैं, और अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आपको कितने नंबर का पेपर आता होता है, कितने नंबर का पेपर आता है आपको? सर मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे को 92 मार्क्स का पेपर आता था, चलो मैं 90 मार्क्स का मान लेता हूँ, अगर उसमें से भी वो करके आ रहा है तो भी वो 45 ले आएगा, 45 से ज्यादा अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो 55 मार्क्स ले आएगा बस। और अगर ये 90 मार्क्स की जगह अगर आपको 70 मार्क्स का पेपर आता है तो सर मैं स्कोर करूंगा 40 मार्क्स। गलती से मुझे अगर 60 मार्क्स का पेपर आता है तो सर मैं तो फेल ही हो जाऊंगा सर। मतलब 60 मार्क्स का पेपर मुझे आता है बट फिर भी मैं फेल हो गया, क्यों? यही बीकॉम होती तो झंडे गाड़ दिए होते मैंने, यही ये बीकॉम होती या मैं कोई और एग्जाम दे रहा होता अदर देन दीज ऑल ऑफ देम, तो कह रहा सर मैंने तो झंडे गाड़ दिए होते हैं, 60 मार्क्स का पेपर 70 नंबर ले आता मैं उसमें से। बट यहां पर आपका जो आंसर है दैट नीड्स टू बी इफेक्टिव। हर एक इंसान को अलग अलग रीजन लगते हैं फेलियर के, ठीक है? कि कोई कहता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कोई कहता है मैंने रिवाइज नहीं किया। सर ठीक है, देयर मे बी अ लॉट ऑफ रीजंस, बट मुझे ये ऐसा रीजन लगा व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक और रीजन आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि क्लासेस ले ली है, ठीक है, प्लस उनको रिवाइज भी कर लिया है, बट क्या आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं सर? क्या आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं? क्वेश्चन पेपर है? नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किए। डोंट वरी, डोंट वरी, हमारे पास है, दे ऑल आर अवेलेबल फॉर फ्री एट सीए कार्ड, जस्ट चेक इट एंड डाउनलोड देम एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सर क्वेश्चन पेपर आपके पास कौन से हैं, कौन से चाहिए? आरटीपी तो चाहिए आपको, आरटीपी चाहिए, एमटीपी चाहिए। एक और चीज बताता हूँ, प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के अंदर पेपर आपके हुए हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। अच्छा, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, एग्जैक्टली, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के हम लोगों ने रखे हुए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो वहीं से होगा, ठीक है? अगर आप सोचो 5 साल पुराना क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं सर, अब ऐसा नहीं होता कि 5 साल पुराना क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ओके सर, ठीक है, अब एक बात और समझाओ, अब एक बड़ी छोटी सी बात मेरे को और समझाओ कि सर मैं क्या करूं। सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये टेस्ट नहीं दिया तो सर 60 मार्क्स का पेपर भी आता होगा ना, आप 40 मार्क्स लेके आ पाओगे, इससे ज्यादा नहीं ला पाओगे। थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम ये है, कभी सुना है कि हाँ ठीक है आप सर ला सकते हो, इट इज पॉसिबल टू स्कोर इन अकाउंट 100 आउट ऑफ 100, लॉ में आए किसी के 100 में से 100? पता नहीं सर, नहीं, बहुत रेयर, बहुत रेयर।
बहुत रेयर मिलते हैं अगर आपको 70 से ऊपर कुछ चला जाए तो। सर 70 भी कहाँ देखा होता है, एवरेज बच्चे ने तो देखा ही नहीं होता। उसके बाद अच्छे स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जिन्होंने देखा होता है, रीजन यही है। अब एक काम करते हैं, बातें तो मैंने बहुत कर ली आपसे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है। उन क्वेश्चंस के आंसर, उन क्वेश्चंस के लिए दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली तो कंसेप्ट आपको आता है, ठीक है, और उसके बाद कंसेप्ट के बाद आती है प्रेजेंटेशन। सर एक क्वेश्चन मैंने अगर देखा और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, दैट मींस मेरा कंसेप्ट ठीक है, यानी कि मेरी सिलेबस कवरेज के अंदर मैंने सिलेबस कवर किया है। कितना सिलेबस आपने कवर किया है इस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या नहीं, ठीक है। कह रहा सर अब ये प्रेजेंटेशन क्या है? मैंने कहा प्रेजेंटेशन का मतलब मेरे यहां पर है कि कैसे मैं इस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछते हो सर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या बोलूंगा? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी अपन इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल पर बात कर रहे हैं। कह रहे सर तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं अपना नाम बोलूंगा ना, ये सीधा ये बोलने लग जाऊंगा दैट टुडे आई टुक अ सेशन ऑन ये। नहीं नहीं सर नहीं, पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। एग्जैक्टली ठीक इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लॉ या फिर आप कह सकते हो लीगल प्रोविजन आप यहाँ पर समझाते हो कि भैया इसका लीगल प्रोविजन कौन सा है, और उसके बाद जाकर आप उस क्वेश्चन से लिंक करके एक सॉल्यूशन देते हो, ठीक है। अब मैं आपको दो चीजें और बता रहा हूं, इन दो चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो दो प्रॉब्लम्स आएंगी। दो प्रॉब्लम्स कौन से आएंगी कि सर या तो आपको क्वेश्चन देखा आपने, ठीक है, आपने कहा मुझे क्वेश्चन नहीं आता, बट जैसे ही आप उसका आंसर देखते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सॉल्व है, आंसर देखते हो आंसर आपको आता है, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, यू नीड प्रैक्टिस। क्वेश्चन देखा, उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन देखा कि आता है, आपने आंसर कुछ सोचा बट आंसर इज टोटली डिफरेंट, आपकी लिंकेज ही सही नहीं है सर, आप जो सोच रहे हो वो आंसर नहीं है, ठीक है, या तो आपको आंसर आता ही नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा टेक्निकल नॉलेज में नहीं जाता हूं, ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर सेशन तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा अगर कभी ऐसा कुछ चाहिए हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही हो, तो आई टेल यू कि कैसे आपको इवेल्युएट करना है। तो सर अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूं विच आर पर्टिकुलरली फॉर सीए इंटर के अंदर ये क्वेश्चन आए हैं और कंपनी लॉ के अंदर आए हैं। तो कंपनी लॉ जो है वो सीए में सीएस में सीएमए में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, तो याद रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सीएस के अंदर फॉर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और सीए सीएमए के अंदर वो नहीं होते, रूल्स इंक्लूड हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़े कम रूल्स इंक्लूड होते हैं, होते यहाँ भी। कह रहे सर इनके पेपर के अंदर और यही सेम चीज, ऐसा नहीं है ये इस बार इनके में आया है, पहले सीएस में आ चुका है और उससे पहले सीएमए के अंदर भी आ चुका है, सीए इंटर में भी आया है। कह रहे सर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं उठाकर लेकर आया हूं जो आपको देखो और समझो कि आंसर लिखा कैसे जाता है। देखो एक ये रहा, मैं खुद को यहां पर हाइड कर लेता हूं सर। अब आप सिर्फ और सिर्फ सामने स्क्रीन पर फोकस कीजिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा सर हैरी लिमिटेड, पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हैरी लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, थाईलैंड में रजिस्टर्ड है, ठीक है। कह रहा यहां पर इनकी कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है, ओके। कहता सर बट फिर भी यस इट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग इन इंडिया। कह रहा इनका सर्वर है, इनका कोई ऑफिस नहीं है, पर ये ऑनलाइन तरीके से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऑपरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से काम कर रहे हैं। तो बताओ कंपनी का क्या स्टेटस है? अब प्रॉब्लम क्या है कि सर स्टेटस पूछ रहा है, दैट मींस कंपनी कहाँ की है? थाईलैंड की है। आपको बताना है कि क्या ये कंपनी एक फॉरेन कंपनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो पहले बच्चे की यहां पर लिंकेज ही बोल लोगे, आपको समझ ही नहीं आया कि स्टेटस ऑफ कंपनी से क्या मतलब है, स्टेटस ऑफ कंपनी से वो क्या कहना चाहता है। आप बोल दोगे सर सीधा आई क्विट, आपने यही नहीं देखा, आप सोच रहे हो कि बच्चा तो कहेगा थाईलैंड, हाँ सर फॉरेन कंपनी, बहुत सारे बच्चों को याद आ जाएगा। इसे कहते हैं लिंक करना कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होना है। सबसे पहले आती है लिंकेज कि ये पूछ क्या रहा है मुझसे, उसको लिंक करना, ठीक है। आपने सही प्रोविजन उठा लिया फॉरेन कंपनी का,
कह रहा बहुत बढ़िया सर। कह रहा उसके बाद आपको स्टेटस क्लियर करना है, क्या सिर्फ ऐसे लिख दूं येट यस इट इज अ फॉरेन कंपनी। ये क्वेश्चन पेपर में आता है 2 मार्क्स का, मान लेते हैं 2 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है, तो आंसर का फॉर्मेट सेम रहेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो कहते सर अब आपको एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट बताना है कंपनी किस टाइप की कंपनी है। कह रहा सर देखो ऐसे लिखा जाता है आंसर, सबसे पहले जल्दी मत करना, जल्दी मत करना, आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 42। सर मुझे 42 याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये लो सेक्शन नंबर 2 के अंदर ही पूरे कंपनीज एक्ट की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, सारी डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में लिखी हुई हैं। डेफिनेशन की सबसे अच्छी बात क्या है, नंबर ही नहीं कटता, नंबर नहीं कटता है डेफिनेशन के अंदर। आपको डेफिनेशन आती है ना तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है, आपने रटी रटाई डेफिनेशन लिखी नंबर कटने का चांस ही नहीं। कहता सर पहले डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी मींस कोई कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये कहां पर इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड इन थाईलैंड यानी कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। विच हैज अ प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, या तो खुद फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये क्या कह रहा है कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस किसके अंदर आता है, ये मैं आपसे काम कर रहा हूं, मेरा कैसा बिजनेस है सर, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक मोड। कह रहा है सर अब कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, बच्चा ये लिख देगा। ये डेफिनेशन आपको मिलेगी कम से कम ना ना करते भी 80% बच्चों को ये डेफिनेशन आती होगी, एग्जैक्टली नहीं आती होगी, आधी आती होगी बट आती होगी, जिसमें से कम 60% बच्चों को ये डेफिनेशन पूरी एब्सोल्यूट तरीके से पता होगी। बट फिर भी ये आंसर अगर 3 नंबर का है बच्चा 2 मार्क्स ही स्कोर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक मोड पूछा और उसने इलेक्ट्रॉनिक मोड को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप लिखते हो सर यहाँ पे ये तरीका अगर लिखना है, ठीक है, तो ये तो वैसे मैं फाइनल लेवल पे सजेस्ट करता हूं, मैं यहां पर सजेस्ट नहीं करता हूं, आप छोड़ सकते हो, इतना समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक मोड को डिफाइन कर देना अगर आपको आता है तो। सर नहीं आता हो तो तुक्का मत लगाना, वो पहले चला करता था यार कि पेपर खाली नहीं छोड़ना, वो पहले चला करता था। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड को डिफाइन करेंगे, कैरी आउट द इलेक्ट्रॉनिक बेस वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड और नॉट, ठीक है, बट नॉट लिमिटेड टू ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली मार्केटिंग टेली कम्युनिकेशन मेडिसिन। कह रहे सर कुछ भी काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका मेन सर्वर इंडिया में है या नहीं, तो यहाँ पे और क्या आ गया, हैविंग इट्स मेन सर्वर फॉर ऑनलाइन बिजनेस आउटसाइड इंडिया। कह रहे सर आपका सर्वर कहाँ है, थाईलैंड में है ना, चलेगा। तो यहां पर पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक का जवाब दिया, फिर मैंने उसको सर्वर से लिंक करा, समझ रहे हो, पहले यहां पर सबसे पहले पॉइंट के अंदर मैंने क्या बताया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से लिंक करा, आउटसाइड इंडिया से लिंक करा, फिर मैंने सर्वर की बात करी, और एट द एंड मैंने आकर वहां पर एक कंक्लूजन दे रहा है, एज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट बीइंग इन्वॉल्व इन टेली मार्केटिंग इन इंडिया हैविंग मेन सर्वर आउटसाइड इंडिया हैरी लिमिटेड इज क्लासिफाइड एज फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सर अगर ऐसा आंसर लिख दिया तो मैं बता रहा हूं नंबर इतने शानदार आपने देखे ही नहीं होंगे। ओके ऐसे आंसर लिखा तो मिलेंगे 5 में से 5, 3 में से 3, 4 में से 4, एब्सोल्यूट आंसर। क्वेश्चन के अंदर मेन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना और सही चीज वहां पर प्रेजेंट करना, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। सर ये चाहिए हो ये हैंडआउट तो बेटा आई मीन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग इज शेयर्ड विद यू गाइस, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है बट एग्जैक्ट तरीका क्या होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूं। सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है SKP लिमिटेड। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन यहीं पर आया है, CA इंटर, CMA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव यहां तो आएगा ही, CA फाइनल वाले बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत तंग कर रहा है आजकल, फॉरेन कंपनी उनको भी परेशान कर जा रहा है, बार बार रिपीटेटिव आ रहा है। कोई क्वेश्चन बार बार क्यों आता है, जब बच्चे उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो वो बार बार पेपर के अंदर आएगा,
ओके तो सर आपने जैसे बताया था ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ये छोड़ दें, अगर आप लिख देते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। कह रहे सर देखो एसकेपी, एसकेपी एक कंपनी है हमारी, और ये जो कंपनी है ना ये सब्सिडरी है, होली ऑन सब्सिडरी, यानी कि 100% शेयर जो है वो हैरी लिमिटेड के पास है। अच्छा हैरी लिमिटेड जो पहले है, बिल्कुल हैरी लिमिटेड के पास होली ओन सब्सिडरी है और ये है इंडिया के अंदर। सर इंडिया के अंदर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? कहता 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कह रहा सर अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो क्या इसका ये फाइनेंशियल ईयर चेंज किया जा सकता है? अब इसी को अंग्रेजी में पढ़ेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इवन वुमेन आल्सो, बट पहले सर समझो तो क्वेश्चन तो समझो। एसकेपी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ हेरी लिमिटेड डिसाइडेड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि हेरी लिमिटेड अगर जापान में है, अगर जापान में है सर, चाइना में आप कुछ नहीं है, चाइना में छोड़ो सर, कह रहे सर जापान में है और यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर ऑफर होता है, तो सर ये कल को कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट भी तो करेंगे, कंसोलिडेट भी तो करेंगे अकाउंट्स को, तो सेम फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए ना। क्या 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 एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसका प्रोसीजर बताओ, सिंपल सी बात। ओके ओके कह रहे सर बहुत बढ़िया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा आंसर पर कि आंसर लिखना कैसे है। सर फिर कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स के अंदर तो बहुत सारी पूरी रामायण कुछ भी लिख सकते हो यार। टॉपिक्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि वो टॉपिक 6 नंबर का दम रखता भी है या नहीं, बस आप धड़ाधड़ पढ़ने पे लगे हो सर। कह रहे देखो ओए की यार देखो, कह रहे सर ये था आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। कह रहे सर सबसे पहले तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीजें मुझे इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है? डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करनी है, ये उसने टारगेट किया, ये उसने मारा देके अमेंडमेंट पे। वो कहते हैं ना अमेंडमेंट से पेपर आता है, बिल्कुल देख लेना कितना आता है, 5 नंबर का मिलेगा मुश्किल से, अमेंडमेंट अमेंडमेंट। कह रहा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी, ठीक है, कह रहा जो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, किसी भी कंपनी की जो इंडिया के बाहर है, और अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए उनको एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। कह रहा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा एप्लीकेशन लगा दो कंपनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है अपनी फाइनेंशियल ईयर की एप्लीकेशन लगा सकती है, किसके पास? एनसीएलटी के पास। ओके ठीक है ठीक है। ओके सर ये तो कुछ खास आया नहीं, क्योंकि ये मैं ये लिख कर लाया हूं कि आप क्या लिखते हो, ठीक है? कुछ बड़ी रामायण नहीं लिखनी थी यहाँ पर, बड़ा सिंपल था, दैट एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज अलाउड टू फॉलो अ फाइनेंशियल ईयर टू कंसोलिडेट द अकाउंट्स विद द होल्डिंग कंपनी फॉर दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस आई मीन ट्रांजेक्शन द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अलाउइंग फॉर एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? कहता है सर देखो छोटी सी बात है, आपके यहाँ पर हैरी में अगर आप जो भी मानते होगे, कह रहे सर यहाँ पर आपकी कंपनी है ना एसकेपी, कह रहे एसकेपी को बोलो एनसीएलटी पे एप्लीकेशन लगा दे कि सर मुझे एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर चाहिए, आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की एप्लीकेशन लगाओ, और एनसीएलटी जो है, एनसीएलटी है अगर अप्रूव कर देता है तो मान जाएंगे। कह रहा सर यहाँ पर बट 1 साल नहीं है, ये मानते हैं 1 जनवरी से लेके 20 अप्रैल तक, इसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। कह रहा सर कैसे भी मानते हो, आपके यहाँ 4 साल को, 4 महीने को फाइनेंशियल ईयर माने, चाहे 4 साल को, कह रहा कोई भी टाइम पीरियड होगा ना, कोई भी टाइम पीरियड होगा मैं उसको अप्रूव कर दूंगा सर। ओके ओके
ठीक है ग्रेसर, और एट द एंड आप ये मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन में हो गया कंटेंट कम, तो थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हो, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट आया तो 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको अपना फाइनेंशियल ईयर एज पर दिस क्लॉज करना था। पहले सब अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होते थे अगर आपने पढ़ा होगा तो, बट अब एक ही फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च। मेन आंसर आपका छुपा है यहां पर और ये एंड वाली लाइन में। एंड वाली लाइन को मैं कहता हूं कंक्लूजन। ये कंक्लूजन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है सर। ठीक है कह रहे सर, अब याद रखना जो भी इंडियन कंपनी आज से पहले कोई भी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती थी ना, 2 साल का टाइम दिया गया कि भाई अपना फाइनेंशियल ईयर इस हिसाब से कर लो। ओके सर ओके, इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन तो एक और भी है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। नहीं सर कोई बात नहीं, फिर कभी। अब ये सेकंड क्वेश्चन को समझो कि जरूरी नहीं है कि कंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा बनाना है, व्हाट ऑल यू नीड इज कि थोड़ा स्मार्ट बनना है। मैं बता देता हूँ सर क्या काम करना है। सबसे पहले तो लिंक करना है एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है आपका, एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है, एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो, क्या पूछ रहा है वो, उसके बाद उस प्रोविजन को एक्सप्लेन करना। वो पूछ रहा है फॉरेन कंपनी, आप फाइनेंशियल ईयर बता रहे हो, उसका कोई पर्पस नहीं है सर, कोई फायदा नहीं होने लगा। एग्जैक्ट प्रोविजन को आइडेंटिफाई करना है कि ये पूछ क्या रहा है मुझसे, और उसके बाद एट द एंड उसे क्या करना है, अलाइन करना है क्वेश्चन के साथ और गिव कंक्लूजन। एंड एट द एंड आपको एक कंक्लूजन देना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। कंक्लूजन देना बेटा बहुत जरूरी है यार, यही कंक्लूजन नहीं देता है कोई भी। अगर कंक्लूजन नहीं दिया, सिर्फ प्रोविजन लिख दिया, 5 नंबर में से 3 नंबर मिलेंगे, कंक्लूजन देते ही 1 नंबर बढ़ जाएगा और बचा हुआ 1 नंबर कि आपने प्रोविजन को और कंक्लूजन को किस तरीके से लिंक किया है, क्या प्रोविजन सही से लिखा है, क्या कंक्लूजन सही से लिखा है। कंक्लूजन इज ऑल अबाउट राइटिंग, 1-2 लाइन लिखनी है, 1-2 लाइनें, 1 नंबर बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है यार। कितने क्वेश्चन आते हैं सर, 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 पार्ट होते हैं एक के। ठीक है चलो, 5 क्वेश्चंस × 3 पार्ट्स, अगर 15 क्वेश्चंस आपके पास टोटल हैं और मैं कह रहा हूं हर एक में 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो 15 मार्क्स अगर कंक्लूजन देने से बढ़ते हैं तो क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है 15 मार्क्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, उससे पूछ को देखो जो कभी 2 नंबर से भी रहा हो। होते हैं बच्चे 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, राइट। सो प्लीज प्लीज प्लीज, और प्रैक्टिस करना चाहते हो, गो एंड डाउनलोड आवर फ्री स्कैनर्स। ठीक है चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन सम अदर वीडियोस विद दिस काइंड ऑफ एन एक्साइटिंग कंटेंट। स्टे ट्यून्ड एट सीए कार्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। बाय।